मतदान से पहले सभी पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज राजस्थान में चुनावी रैली कर जहां उन्होंने पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए किसानों की आवाज दबाने और संविधान बदलकर लोगों के अधिकारों को खत्म करने का आरोप लगाया। और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज दौसा के बांदीकुई में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी ने बड़े बड़े अरबपतियों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ किया, लेकिन यहां किसान को 10,000 रुपए के लिए अपनी जान देनी पड़ती है। बेटियों की शादी या फसल के नुकसान होने पर कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन ये कर्ज माफ नहीं होता। तो वहीं किसानों के प्रदर्शन को लेकर प्रियंका मोदी सरकार पर जमकर बरसी। प्रियंका ने कहा कि तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान बैठे रहे, लेकिन पीएम मोदी ने उनकी एक बात नहीं सुनी। नरेंद्र मोदी जी की बातें अब हल्की लगने लगी हैं, क्योंकि 10 साल में उन्होंने जनता के सामने खूब झूठ परोसा है। मंच पर मोदी जी संविधान की बातें करते हैं, लेकिन अपने लोगों से संविधान बदलने की बात करवाते हैं। इस संविधान के लिए आपके पूर्वज लड़े, क्योंकि संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं। बीजेपी संविधान बदलकर आपके अधिकार छीनना चाहती है। बता दें कि प्रियंका यहां पार्टी प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा के समर्थन में जनसभा करने गई थी। इस बार दौसा लोकसभा सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए अहम है, क्योंकि इस सीट से दोनों ही पार्टियों ने अपने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। प्रियंका की सभा में सचिन पायलट समेत अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहे। वहीं इससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में प्रियंका गांधी ने अलवर में रोड शो भी किया। इस रोड शो के जरिए कांग्रेस ने क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं इस रोड शो में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।